मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री की क्लास में 17वें ग्रुप के एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कि सिलेबस में है, क्लोरीन के बारे में बात करेंगे। क्लोरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स का सेकंड एलिमेंट होता है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का नंबर आता है। क्लोरीन एक गैस होती है, एक एलिमेंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्लोरीन जो है वो डायटॉमिक फॉर्म में होती है, यानी कि Cl2 के फॉर्म में होती है, Cl2 के फॉर्म में होती है, और ये गैस है। अगर इसका हम लोग एटॉमिक वेट देखेंगे तो 35.5 होता है। और जो क्लोरस शब्द है, इसी से क्लोरीन आया है। क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येल्लो, ग्रीनिश येल्लो, ये क्लोरस का शाब्दिक अर्थ होता है। यानी कि ये गैस किस कलर की होती है? ग्रीनिश येल्लो कलर की होती है। सबसे पहले सीले ने मैग्नी डाइऑक्साइड को HCl के साथ में गर्म करके हरे रंग की गैस प्राप्त की, हरे रंग की गैस प्राप्त की, जिसे उन्होंने एक कंपाउंड माना था। सीले ने एक Cl2 के कंपाउंड माना, ये कंपाउंड होता है। लेकिन डेवी ने यह सिद्ध किया कि क्लोरीन एक तत्व है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है। तो अकरेंस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, अकरेंस जो है वो ये बहुत ही क्रियाशील है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि जो ये तत्व है वो काफ़ी क्रियाशील होते हैं, हैलोजन्स। तो हैलोजन्स की क्रियाशीलता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ये NaCl, KCl, MnCl2 के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा ये डिफरेंट कंपाउंड में कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। अब देखेंगे कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो लैब मेथड में हम लोग इसको देखेंगे कि लैब मेथड किस प्रकार से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैग्नी डाइऑक्साइड लेनी होती है और इसमें HCl डालना होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से आप सेटअप बनाओगे। यहाँ पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। राउंड बॉटम फ्लास्क लेने के बाद यहाँ पर आप ऊपर से HCl डालेंगे और नीचे आप फ्लास्क के अंदर मैग्नी डाइऑक्साइड डालेंगे। तो ये HCl और मैग्नी डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन होगी, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl के साथ में रिएक्शन करके MnCl2 और वाटर और क्लोरीन गैस बनाती है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि MnCl2 जो है वो इसी के अंदर रह जाएगा और जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस वो यहाँ से निकल करके इस वाटर में जाएगी, वाश होगा यहाँ पर, और इससे ये निकल करके दूसरे चैम्बर में जाएगी जहाँ पे H2SO4 भरा होता है। H2SO4 ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो भी वाटर होगा इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और हमें Cl2 यहाँ पर शुद्ध अवस्था में मिल जाएगी। तो लैब में इस प्रकार से आप बना सकते हैं। रिएक्शन क्या होगी? मैग्नी डाइऑक्साइड, 4HCl, MnCl2, 2H2 और Cl2। तो इस प्रकार से लैब में हम बना सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे बना सकते हैं इसे? आप KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट से बना सकते हैं। आप पोटेशियम पर मैग्नेट लीजिएगा, उसमें HCl डालिएगा और KCl मिलेगा, MnCl2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और ये 5Cl2 मिल जाएगी आपको। इसी प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट की सहायता से बना सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये KCl बनाएगा और क्रोमिक क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनेगा, साथ में Cl2 गैस मिलेगी। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये दो रिएक्शन और हैं, MnO2 KMnO4 और K2Cr2 से आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बॉडी में पूछा जाता है, वो है डीकंस मेथड। डीकंस मेथड से किस प्रकार से बना सकते हैं हम क्लोरीन गैस? देखिए, बहुत सस्ता है। कैसे? सबसे पहले हम इस प्रकार से प्लांट सेटअप करेंगे। इसके अंदर हम इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पे इस प्रकार से हम लेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से ये बनाएंगे। आप इसके अंदर CuCl2 डालेंगे, जो कि कैटलिस्ट तरह कार्य करेगा, और बाहर से हम HCl और एयर डालेंगे, हॉट गैस डालेंगे। तो इसके अंदर ये CuCl2 की उपस्थिति में HCl और एयर आपस में रिएक्शन करके HCl और एयर आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे एक कंपाउंड बनाएंगी। इस कंपाउंड को हम लोग कूलर से गुजारेंगे। कूलर
से यहाँ पर इसका टेम्परेचर ठंडा होगा, यहाँ पर इसका 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है लगभग। कूलर से ये होते हुए फिर ये वाशिंग टावर में जाएगी, वाशिंग टावर में ऊपर से वाटर डालते हैं, बीच में क्वार्ट्ज भरा होता है, क्वार्ट्ज से वाटर नीचे आता है। और यहाँ पे हम एक बार रिएक्शन इसका दिखा देते हैं आपको, तो आपको क्लियर होगा किस प्रकार से डिकन मेथड में रिएक्शन होती है, फिर आपको ये बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि HCl ऑक्सीजन से विक्रिया करके CuCl2 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाटर और Cl2 गैस बनाती है। और ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखिए CuCl2 जो है उसके अंदर CuCl2 क्लोरीन से CuCl2 जो है वो ब्रेक डाउन होकर के Cu2Cl2 बनाती है और Cl बनाती है, Cu2Cl2 बनाती है और Cl2 बनाती है। तो यहाँ पर ये जो Cu2Cl2 है ऑक्सीजन से विक्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है CuOCuCl2 बनाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो CuOCuCl2 है ये HCl के साथ में रिएक्शन करके CuCl2 बना के वाटर बना देता है और आपको यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो आपको केवल ये रिएक्शन ध्यान में रखनी होगी कि HCl ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर बनाता है, Cl2 गैस मिलती है। तो ये जो Cl2 गैस है इसी को हमको प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रिएक्शन होगा और ये Cl2 गैस बनेगी, Cl2 गैस जाएगी वाशिंग टावर में वाटर ऊपर से आएगा और इसे वाश कर देगा, नीचे यहाँ पर H2 इकट्ठा हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो इस पाइप से होते हुए, यहाँ पे आप देखिए इस पाइप से होते हुए, इस वाली पाइप से होते हुए ये जाएगा ड्राइंग टावर में। तो ऊपर से H2SO4 डाला जाता है, नीचे से ये गैस जा रही है, इसके अंदर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो H2SO4 के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और Cl2 गैस मुक्त अवस्था में हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से डीकन मेथड है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन है इसका, जैसा कि हमने बताया अगला मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, जिसको नेल्सन सेल प्रोसेस भी कहा जाता है। ये 11th में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में, नेल्सन सेल प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक चैम्बर लेते हैं, इस चैम्बर के अंदर हम लोग कैथोड और एनोड लगा देते हैं। एनोड जो होगा आपका ग्रेफाइट का बना होगा, एनोड आपका ग्रेफाइट का बना होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग ये जो आपको यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इस प्रकार से ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये स्टील का बना होता है और ये कैथोड की तरह कार्य करता है, जो कि लिखा है देखिए परपोरेटेड स्टील कैथोड, ये छिद्रित होता है और ये कैथोड की तरह कार्य करता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सबसे पहले इसमें ब्राइन भरा जाता है। ब्राइन क्या होता है, NaCl का जली विलयन है। ब्राइन क्या है, NaCl का जली विलयन ब्राइन कहलाता है, NaCl का जली विलयन ब्राइन कहलाता है। तो इसको हम लोग इसके अंदर भर देते हैं, भरने के बाद इसमें क्या किया जाएगा, भरने के बाद NaCl जो होगा वो टूट जाएगा। यहाँ पर कैथोड एनोड पर रिएक्शंस होगी, यहाँ पर हम देखेंगे कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है। सबसे पहले देखिए जो NaCl आपने घोला है पानी के अंदर वो टूट जाएगा Na+ और Cl- में, और जो अब ये देखिए वाटर जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब कर लेकर करके ये H2 गैस बना लेगा और OH- बना देगा, ये कैथोड पे रिएक्शन होगी। और इसी प्रकार से Na+ OH- के साथ में कंबाइंड होकर NaOH बना लेता है, जो कि हमें नीचे यहाँ पर ये मिल जाएगा कास्टिक सोडा के फॉर्म में NaOH, यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर से आकर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो Cl- बन रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला Cl- जो ये वाला बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl2 गैस बना लेगा, Cl2 गैस आपकी यहाँ से रिलीज हो जाएगी और H2 गैस आपकी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम Cl2 गैस को यहाँ से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अगला हम देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या होते हैं क्लोरीन गैस के। तो ग्रीन येलो कलर की होती है, पॉइजनस गैस होती है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl2 कहलाता है, क्लोरीन वाटर क्लोरीन का जल कहलाता है। इसकी एमपी 238.4 केल्विन, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट इसका 172.4 केल्विन होता है। ये हैवियर देन ऑक्सीजन एंड एयर, ये भारी होती है ऑक्सीजन और वायु से। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये न तो जलती है न जलने में सहायक होती है, लेकिन कुछ कंपाउंड के जलने में सहायक करती है, जैसे कि सल्फर को अगर हम लोग क्लोरीन में डाल दें, जलता हुआ सल्फर क्लोरीन में डाल दें तो ये जलता ही रहता है।
तो इस प्रकार से रिएक्शन देख सकते हैं, 2SCl2 ये बना लेता है H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड बनाता है, ये सल्फर मोनोक्लोराइड बोला जाता है H2Cl2 को। इसी प्रकार से अधातुओं के साथ में रिएक्शन करेगा ये, तो संबंधित क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा। जैसे कि सल्फर के साथ फास्फोरस के साथ में हाइड्रोजन के साथ में ये क्लोराइड बनाता है, आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन। थर्ड वन देखिए, धातुओं के साथ में रिएक्शन करेगी ये, धातुओं के साथ में रिएक्शन करके क्लोराइड बनाती है। यहाँ पर आप एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन देख रहे हैं, AlCl3 बन रहा है। कॉपर के साथ में ये CuCl2 बनाता है, सोडियम के साथ में ये NaCl बनाता है, ZnO के साथ में ZnCl2 बनाता है, मैग्नीशियम के साथ में ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार से जल के साथ में अगर हम अभिक्रिया कराएं तो Cl2 गैस जल में घुल करके HCl देती है और हाइपोक्लोरस एसिड देती है HClO। HClO जो होगा वो HCl में टूट जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर O2 गैस दे देती हैं। इसी की वजह से इसमें ब्लीचिंग एक्शन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन गैस को जल में डाल देंगे तो ब्लीचिंग कर देती है। उसी प्रकार से NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे Cl2 गैस का, तो ये NaCl और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड आप समझ पा रहे होंगे, ये फार्मूला है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, NaOCl को हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो Cl2 गैस अगर एक्सेस में अगर NaOH के साथ में ले लेंगे हम और इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ये NaClO3 बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है और NaCl बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉरी वाटर बनेगा आपका। इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएं तो आपको CaO कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, NH3 के साथ में रिएक्शन करके ये अमोनियम क्लोराइड देती है। लेकिन अगर हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है देखना यहाँ पर, कि अगर क्लोरीन को हम लोग ज़्यादा मात्रा में ले लें और अमोनिया को कम मात्रा में लें तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाती है, NCl3 बनाती है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, अर्थात ये नेगेटिव पार्ट होता है तो ये जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है सामने वाले का, और यहाँ पर इस्टीमेशन हो जाता है जो भी अगला हैलोजन्स होता है। तो यहाँ पे KBr के साथ में Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो KCl बनेगा और Br2 बनेगी। इसी प्रकार से ये ऑक्सीडाइज कर देती है, फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज कर देती है। अगर हम यहाँ पर देखें कि और क्या रिएक्शन है इसके, तो ये एडिशन रिएक्शन देती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ये कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, SO2 के साथ में ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है, और ये एडिशन रिएक्शन देगी एथीन के साथ में और ये बना लेगा एथीन डाइक्लोराइड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है ये, CH4 के साथ में Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड बनाती है। ब्लीचिंग एक्शन होता है इसमें, H2O को अगर हम जल में डाल देंगे, H2O को अगर Cl2 को अगर H2O में डाल दिया जाएगा तो HCl बनेगा, साथ में ऑक्सीजन बनेगी जो कि कलरलेस कर देती है किसी भी कंपाउंड को। तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रकार से, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे HCl के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।